हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल संगीता सिंह हेयर स्टाइल्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप संसा की तरह अच्छे होंगे। सो मॉनसून स्टार्ट हो गया एंड मॉनसून में हेयर फॉल ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर नॉर्मल डेज में हमारे 10 बाल टूटते हैं तो मॉनसून में 100 बाल तो टूटेंगे ही। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक DIY हेयर सीरम जो कि हेयर फॉल के लिए, स्पेशली फॉर हेयर फॉल के लिए है। सो मैं मॉनसून में इसे जरूर अप्लाई करती हूँ अपने बालों पे। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी जिनको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है मॉनसून में। सो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा एंड देर ना करते हुए चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहले एक कढ़ाई में हम एक बड़े कप से पानी गरम कर लेंगे। फिर मैंने उसमें ऐड किया ये ऑनियन जो कि छोटे छोटे मैंने काट लिए थे। फिर मैं मिक्स कर रही हूँ इसमें मेथी के दाने एंड उसके बाद मैं कनौजी मिक्स करूँगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सारे ना हेयर ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं एंड इसको ना अच्छी तरह से बॉयल कर लेंगे, उबाल लेंगे। उसको अच्छी तरह से उबलने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी एलोवेरा लीफ। मेरे घर में एलोवेरा के पेड़ लगे हुए हैं सो मैंने वहीं से इसके पत्ते काट के यूज़ कर लिए। अगर आपके पास आपके घर में पेड़ ना हो तो आप मार्केट वाला भी अप्लाई कर सकते हो। इस DIY सीरम को आप रेडी कर ले एंड उसमें एक चम्मच एलोवेरा मिक्स कर ले। इस एलोवेरा को डालने के बाद भी मैं इसे अच्छी तरह से बॉयल होने दूंगी, 5 से 10 मिनट तक तो बॉयल होने ही दूंगी। फिर इसे ठंडा होने तक वेट करेंगे, उसके बाद इसे छान के निकाल लेंगे। अब ये रेडी हो गया हमारा हेयर सीरम जो कि हमारे हेयर ग्रोथ को बहुत तेज़ी से, हमारे हेयर लेंथ को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है, हेयर फॉल को कम करता है एंड आपके हेयर्स में हेयर्स जो है ना सिल्की एंड शाइनी हो जाएंगे। इसको यूज़ करने के बाद मैं इसे वीक में एक बार तो ज़रूर यूज़ करती हूँ। काफ़ी इफ़ेक्टिव हेयर सीरम है ये, मैं तो इसे ज़रूर अप्लाई करती हूँ जब भी मुझे शैम्पू करना होता है उसके पहले। आप भी ज़रूर ट्राई करें, इस मॉनसून में तो आपका हेयर फॉल रुकेगा ही। सो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। इसे अच्छी तरह से अप्लाई करने के बाद मैंने फिंगर की हेल्प से हल्का सा मसाज किया, देन मैंने कोम करके एक बन बना लिया। इसे 1 से 1.5 घंटे ऐसे ही रहने देंगे, उसके बाद मैंने हेयर वॉश कर लिया। आफ्टर हेयर वॉश आप देख सकते हो मेरे बालों में कितनी ज़्यादा चमक आ गई है। आप लोग जो पूछते हो ना कि मेरे बाल इतने क्यों चमकते हैं, तो मैं जो भी DIY होम मेड जो भी पैक होता है, सिरम होता है, जो भी अप्लाई करती हूँ मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ वीडियोस के थ्रू। सो इसी की वजह से मेरे बाल इतने सिल्की एंड शाइनी हो गए हैं। सो वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करें। चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा।